हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राहुल गुप्ता, फार्मासिस्ट एवं जनरल फिजिशियन। और आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो को आप पूरा पूरा देखिएगा, जरा सा भी स्किप ना करिएगा, ताकि दोस्तों संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि आपके लिए हेल्थ एवं मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर ले करके आते रहता हूँ। सुबह का नाश्ता जो हमारे पूरे दिन के जो भोजन होते हैं उनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है सुबह का नाश्ता। आप सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर हमारे संपूर्ण बॉडी पे पड़ती है और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे पड़ती है। यदि आप सुबह सुबह तेल से तला हुआ कचौड़ी खा लेते हैं या पूड़ी खा लेते हैं, या दोस्तों चने की बनी हुई छोले भटूरे खा लेते हैं, तब आप उस दिन देखे होंगे इसका सीधा सीधा असर आपके पूरे बॉडी को पड़ती होगी। पूरे दिन अचानक आलस लगता होगा, सुस्ती जैसा लगता होगा, मन फुर्ती जैसा नहीं लगती होगी। यानी दोस्तों, हम सुबह के नाश्ते में जो भी चीज़ें लेते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल पर पड़ती है, खान पान पर पड़ती है, काम और कार्य पर पड़ती है। तो सुबह का नाश्ता में हमें दोस्तों क्या लेनी चाहिए? सुबह का नाश्ता में हमें ऐसी चीज़ें लेने की ज़रूरत है जिस चीज़ों को कर करके हम पूरे दिन ऊर्जावान रहें, बलवान रहें और बेहतर तरीके से दोस्तों काम करें। कभी भी हमें डिमोरलाइज होने की ज़रूरत ना पड़े। अपने जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क शेड्यूल कर रहे हैं, उस वर्क शेड्यूल में पूरे ऊर्जा लेवल के साथ, पूरे एनर्जी के साथ काम को करें। सो दोस्तों, हम ऐसा सुबह क्या खाएं जिससे कि हम ऊर्जावान रहें? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हम सुबह के नाश्ते में क्या चीज़ें लें जिससे कि हम पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करें, अच्छे से काम काज करें। इस जगह पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक शेक के ऊपर। उस शेक को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला चीज़ वह है दोस्तों मूंगफली, दूसरी चीज़ें वह है दोस्तों केला। अब इन दो चीज़ को मिला करके हमें एक शेक तैयार करना है। सो दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये हमें किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है और किस तरीके से इसका शेक बनाना है और किस तरीके से सेवन करना है, ये आगे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मूंगफली। मूंगफली में भरपूर मात्रा में फाइबर पाई जाती है, मिनरल पाई जाती है, विटामिन पाई जाती है एवं बहुत सारा प्रोटीन पाई जाती है, जो कि हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एक तरह से आप कह सकते दोस्तों कि यह एक प्रकार का मील है जो कि हमारे संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जो जो पोषक तत्व, जो जो पौष्टिक तत्व हमारे पूरे बॉडी को चाहिए ऑल ओवर विकास के लिए, हमारे माइंड के विकास के लिए, हमारे बॉडी के विकास के लिए, हमारे स्टेमिना के विकास के लिए, ये सारी चीज़ें मूंगफली में दोस्तों पाई जाती है। अगली चीज़ें हैं वह दोस्तों केला। केला में भरपूर मात्रा में फाइबर की मात्रा होती है, मिनरल होती है, विटामिन होती है एवं कई सारे एनर्जी पाए जाते हैं, जिससे कि ऑल ओवर जो बॉडी का विकास है वो पॉसिबल हो सकता है। ये दो चीज़ें एक ऐसी पौष्टिक तत्व है, एक ऐसे पोषक आहार हैं जिसे हम अपने डेली लाइफ में लेकर के अपने बॉडी के अंदर पूरे दिन तरोताज़ा रह सकते हैं, पूरे दिन मजबूत रह सकते हैं और पूरे दिन दोस्तों हम ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका शेक हमें बनाना किस तरीके से है और किस तरीके से इसका शेक बनाने के बाद हमारा वेट गेन होगा और किस तरीके से शेक बनाने के बाद हमारा वेट लॉस होगा। कुछ लोग दोस्तों इस शेक का प्रयोग वेट लॉस करने के लिए भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जिन लोगों को पूरे दिन ऊर्जावान रहना हो, पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करना हो एवं पूरे दिन जो है बढ़िया तरीके से अपने काम में डेडिकेशन रह करके अपने काम को पूरा दिन कर सकते हैं, तो उसके लिए जो शेक बनानी है वो सबसे पहले तो आप एक मुट्ठी जो है मूंगफली को फूलने के लिए रात में दे दें
और सुबह में दोस्तों आप उस मूंगफली को निकाल ले। अब कुछ लोग इस जगह पे क्वेश्चन कर रहे होंगे कि अगर शेक बनानी ही है तो मूंगफली को फूलने के लिए रात में क्यों दिया जाएगा। दोस्तों आप यूँ समझिए कि यदि हम मूंगफली को रात में फूलने के लिए दे देंगे, भिगोने के लिए दे देंगे, तो उस मूंगफली को अगर हम पानी से अलग करेंगे सुबह में, तो उस मूंगफली के अंदर जितने भी सारे गर्मी होंगे, जितने भी सारे पित्त पदार्थ होंगे, वो सारे रिमूव हो जाएंगे और हमारा जो पौष्टिक तत्व है, जो नेचुरल तत्व है, वो उसमें दोस्तों बच जाएगी। तो इस जगह पे हमें पानी को अलग कर लेना है सुबह में। और एक दोस्तों केला लेना है, उसे बारीकी तरीके से कट कर लेनी है और एक मिक्स ग्लेंडर में डालनी है और आप अपने स्वाद अनुसार उसमें हनी का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वेट गेन करना चाहते हैं, अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक पाव दूध का भी उसमें सेवन कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ को मिला करके एक मिक्स ग्लेंडर में आप शेक बना लें और सुबह सुबह दोस्तों आप नाश्ते में लेना इसे शुरुआत करें। आप इस चीज़ को कंटिन्यू 1 से 2 महीना करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी, आपके बॉडी में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा, आप ऊर्जावान रहना स्टार्ट हो जाएंगे एवं काम काज में दोस्तों आपको भरपूर तरीके से मन लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसी जगह पे हम बात करते हैं कि जिन लोगों को वेट गेन करना है, तो दोस्तों इस जगह पे मैंने पहले जो बताया जिसमें दूध डालना है, उस जगह पे आप दूध की जगह पे पानी का सेवन करें। इससे कि आपका क्या होगा कि पूरे बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट लेवल होगा वो तो कम होगी एवं जो नेचुरल फैट होगा वो दोस्तों गेन होगी। तो जिन व्यक्तियों को अपना वेट लॉस करना है वो व्यक्ति पानी का सेवन करें एवं जिन व्यक्तियों को अपना वेट गेन करना है वो व्यक्ति दूध का सेवन करें। सो दोस्तों ये थी एक ऐसी जानकारी जो कि नेचुरल तरीके से आपका वेट गेन होगा। मार्केट में कई तरह के मेडिसिन हैं जो कि वेट गेन करने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ मात्रा में दोस्तों एस्ट्रॉइड होती है जो कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है और छोड़ देने के बाद हम फिर से वापस जैसा मेरा वेट होता है, जैसा मेरा बॉडी होता है, वैसे वापस हो जाते हैं। सो दोस्तों मैंने जो ये शेक के बारे में आपको बताया है, इस शेक का आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जो वेट है वो नेचुरल तरीके से बढ़ने के साथ साथ आपके माइंड का जो IQ लेवल है, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो भी दोस्तों ग्रोथ हो। जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों के दोस्तों वेट कम है, वो वेट गेन करना चाहते हैं, हेल्दी नहीं है, वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि दोस्तों इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों आप देख रहे थे RK अबाउट मेडिसिन चैनल, मैं था आपका दोस्त, मैं था आपका होस्ट डॉक्टर राहुल गुप्ता। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूज।